गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल छत पे हूँ और ये रात भर बारिश हुआ है। देख सकते हैं कि छत वगैरह पूरा भीगा हुआ है और काफ़ी जोर का बारिश हुआ है। डेली का ये रूटीन ही बन चुका है कि रात भर बारिश होता है, सुबह छूटता है, फिर दोपहर को बारिश होता है ज़ोर से, फिर छूटता है, फिर शाम को बारिश होता है ज़ोर से, और फिर रात को सारा रात बारिश होता है। देखते पूरा पानी वानी सब जमा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश छूटा है तो काफ़ी ज़्यादा बारिश चल रहा है यहाँ पर। आसमान भी पूरा बादल लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो चलता हूँ अब नीचे, बाबू का दूध लाने भी जाना है। बारिश छूटा हुआ, कहीं बारिश फिर से शुरू हो जाएगा तो फटाफट से जाके उसका दूध लेके चला आता हूँ। तो गाइज मैं आया था रौनक को लेने के लिए और वो लेके जाना है घर पे। वो बोल रहा था कि आपके यहाँ पे आना है तो उसको लेने के लिए आया हूँ, तो वो आ रहा है। देखिए हिलते डुलते आ रहा है। क्या रौनक सिंह, कैसा है? क्या खबर है तुम्हारा? तो खबर ठीक है। तब चलेगा ना? हाँ चलिए। चलो देखो, तो यहाँ तो नदी में तो बहुत ज़्यादा पानी है। तो गाइज ये है महानंदा नदी, जो कि बरसात में नदी बन जाता है और बिना बरसात में नाली बना रहता है। दिन रात बारिश होने के कारण कितना ज़्यादा पानी है ना। उस टाइम पहले और भी था, जो है ना इधर पे पूरा भर गया था, अभी तो नहीं है। हाँ देखिए गाइस, इधर का पानी थोड़ा सा ज़्यादा खुला हुआ है और उधर का पानी थोड़ा सा, और यहाँ पे आके दोनों मिलता है, और यहाँ पे आके दो नदी आके मिलता है यहाँ पे, और दोनों आके यहाँ पे मिलके अलग अलग कलर में जाता है। ये आइलैंड बना हुआ है ना, एक आइलैंड। सचो तो चलो घर चलते हैं अब। ये चलिए निकलते हैं हम लोग। रौनक को लेके ही आ गया दूध लेने के लिए, तो फटाफट से बाबू का दूध लेते हैं फिर घर निकलेंगे। तो गाइज यहाँ पे कृष्णा दा भी आए हैं दूध लेने के लिए, तो हमारा दूध यहाँ पे, ये दूध दे रहे हैं। तो दूध ले चुका हूँ, अब चलते हैं फटाफट से घर। चलो रौनक, सब तो लगता है सोया ही होगा। मैं 5 बजे उठी, कोई उठ ही नहीं रहा है लग रहा है। टोपी भी लगा के एकदम, अब तो मस्त पबजी हो गई है ना। वाह 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 वाह, चलो ठीक है बैठो। तो दुकान खोल चुका हूँ, सामान वगैरह भी सब बाहर लग चुका है, और मौसम भी अभी बहुत ख़राब है, कभी भी बारिश आ सकता है, बादल लगा हुआ है। तो अभी दुकान में ही बैठना है, और ये रौनक आया है अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए, क्योंकि इसको पबजी खेलना है। कह रहे खाली पबजी खेलना है ना। अभी थोड़ा एक मैच खेलकर चिकन डिनर हुआ, तो चिकन डिनर हो गया। अब तुम तो आया ही है चिकन डिनर करने के लिए ना, खाली पबजी खेलेगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। तो पबजी के बच्चे का डिनर हो रहा है ना। उठ गए लो, उठ के नाश्ता शुरू हो गया है इसका, एकदम शान से देखो ना, जैसे लाड साहब है, आराम से इधर टीवी चल रहा है और लाड साहब के जैसे खा रहा है। की खबर बेटी कुमारी, नाश्ता पानी में क्या व्यवस्था है? तुम खा लिया नाश्ता? तुम तो इस समय माहिर रहता ना, खाने में तो आगे ना। ते हैं तो नाश्ते में क्या क्या है, इसमें है
छोले और छोले और पूरी, तो दो चार, चार पूरी ले लेते हैं, करते हैं फटाफट से नाश्ता। तो गाइस आज दुकान बंद नहीं किया दोपहर में, घर में गया खाना खा के चला आया फिर, और तब से दुकान में कस्टमर थे तो कुछ ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा था, वीडियो एडिट कर रहा था। अब देखो फिर से पानी शुरू हो गया, फिर से बारिश शुरू हो गया, ये दो तीन दिन से लगातार बारिश हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। पहले एक बात बोलिए, मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? तू बाल कटवाया क्या? हाँ। देखे ठीक बताओ। और हम ये काम से आते हैं कि मेरे को एक मैगी चाहिए था। मैगी? हाँ। अभी मैगी खाने का टाइम है तो शामी का तो नाश्ता करते हैं। कितना मैगी चाहिए? दो। दो का कितना दाम है पता है? एक का 12, एक का 14। कब हुआ ये? हो गया 12 रुपए के 14 रुपए। यहाँ पे क्या ये हो रहा है क्या? ठीक है, घर का आदमी चल 12 रुपए में दे दीजिए। नहीं, घर का आदमी थोड़ी सब थोड़ी है। वैसे भी हम 20 रुपए लाए, 40 लाए। हाँ तो चल के लेके आओ। अरे खुल्ला कहाँ ढूंढने जाए। अच्छा ठीक, मामा का लड़का और उसका वाइफ, तो चलिए उसे मिलते हैं। गाइस कस्टमर आ गया था इसलिए मैं घर के अंदर नहीं जा पाया, तो चलिए आप लोगों को मिलवाता हूँ आनंद और सुमन से। तो ये है आनंद और ये है सुमन और ये है झुनझुन बुआ। तुम खाया नहीं अभी तक? उस टाइम मैगी लेके गया दुकान से, उस टाइम मैगी लेके गया। हाँ इसीलिए टाइम लग रहा बनने में ना रे। ठीक है बैठो। आपको नहीं नाश्ता? हमारा तो नाश्ता हो गया, तुम दिया था ना मैगी। तो आनंद और सुमन लोग चले गए घर क्योंकि बारिश तेज हो गया, तो लोग रुके नहीं और मैं भी दुकान बंद करके घर पे आ गया हूँ। अंदर की भी देखिए, बदमाश अब तो खाना खाना पड़ेगा और फिर अभी होगा। ए गुदू गैया, तो दोस्तों खाना पीना हो गया है, सबको गया है सोने के लिए, बाबू भी सो गया, मैं भी सोता हूँ, थका हुआ हूँ। तो वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।